इन दिनों देश भर में आतंकी हमले और असामाजिक तत्वों से जुड़े तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है बल्कि आम जनता भी इससे काफी भयभीत नजर आ रही है। तो वहीं देश भर में बदल रहे समीकरण को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के हिमाचल क्षेत्र में मौजूद केदारनाथ धाम की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। इस पूरे मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों के धाम में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मंदिर समिति अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से मंदिर के मुख्य द्वार के सामने DFMD यानी कि मल्टी जोन डोर फ्रेम मेटल डिक्टेटर से जांच करने का भी निवेदन किया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में क्लासरूम बनाए जाने का भी निवेदन किया है, जिससे कि लोगों के सामान मोबाइल को चेकिंग के बाद वहीं रखा जा सके। पिछले कुछ दिनों में मंदिर के गर्भगृह से रिकॉर्डिंग और लाइव को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मंदिर की जो सुरक्षा है उसको लेकर के चिंता होना जायज है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मैंने ये सुझाव दिया है कि मंदिर के एक निश्चित दूरी पर क्लॉक रूम बनाया जाए। और क्लॉक रूम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तीर्थयात्री या श्रद्धालु जो भी आते हैं वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने बैग साथ लेकर के या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अन्य इस तरीके की सामग्री लेकर के वो सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मैंने सुझाव दिया है कि मंदिर की एक निश्चित दूरी पर एक क्लॉक रूम तैयार किया जाए और जहां पर कि ये सारी सामग्री उनकी जमा कर ली जाए, और उसके अलावा मेटल डिक्टेटर इत्यादि जो भी सुरक्षा को लेकर के आवश्यक लगता है वो सारे प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर भी आपने चिंता जाहिर की और दिखाया। ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि जिस प्रकार से कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व हो या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसकी मंशा कुछ गलत हो, तो किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने से पूर्व हम अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर लें। आस्था के चलते धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसका फायदा आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोग उठाते हैं, जिससे कभी कभी काफी जानमाल का नुकसान होता है। ऐसे में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चौबंद होगी तो शायद आतंकी गतिविधियां नहीं होती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।